नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 36वां और एक और रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। दोस्तों आईपीएल 2022 की 36वीं और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फॉफ डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस और अनुज रावत के कंधों पर इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हैदराबाद के तेज गेंदबाज मार्को जेनेसन ने एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ इस बार मैदान में उतरे थे और मार्को जेनेसन ने इस पारी के दूसरे ओवर में एक करिश्मा ही कर डाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस पारी का दूसरा ओवर डालने मार्को जेनेसन ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर फॉफ डुप्लेसिस को आउट कर दिया। बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज और बेंगलुरु का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी यानी विराट कोहली को भी मार्को जेनेसन ने उनकी पहली ही गेंद पर एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली लगातार दूसरी बार बिना खाता खोले ही अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए। विराट कोहली और फॉफ डुप्लेसिस के दो बड़े खिलाड़ियों को खोने के बाद इसके बाद बेंगलुरु की टीम अभी ओवर भी नहीं पाई थी कि मार्को जेनेसन ने इसी ओवर के आखिरी गेंद पर बेंगलुरु के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अनुज रावत को भी एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अनुज रावत भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पारी के दूसरे ही ओवर में हैदराबाद के इस तेज गेंदबाज मार्को जेनेसन ने बेंगलुरु की टीम की धज्जियां उड़ा दी थी। फॉफ डुप्लेसिस, विराट कोहली और अनुज रावत जैसे तीन बड़े खिलाड़ियों को मार्को जेनेसन ने आउट करके बेंगलुरु की टीम के ऊपरी क्रम को पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल और सुयश प्रभुदेसाई ने मिलकर थोड़ी देर के लिए ही सही बेंगलुरु की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हैदराबाद के गेंदबाज अब अपनी गेंदों से मैदान पर आग बरसा रहे थे और फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए इस साल हैदराबाद की टीम की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नटराजन ने अपने इस ओवर में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ग्लेन मैक्सवेल को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा विकेट खोने के बाद अब कहीं ना कहीं बेंगलोर की टीम के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडराने लगा था। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज ही के दिन 23 अप्रैल 2017 में बेंगलुरु की टीम ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कोलकाता के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम केवल 49 रनों के भीतर ही ऑल आउट हो चुकी थी और आईपीएल इतिहास में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने वाली टीम बेंगलुरु की टीम ही बनी थी और अब यह रिकॉर्ड इस मुकाबले में टूटता हुआ दिखने लगा था। अब मैदान पर विकेट गिरने के बाद शहबाज अहमद प्रभुदेसाई के साथ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। आपको बता दें कि प्रभुदेसाई और शहबाज अहमद ने पारी के 8वें ओवर तक हैदराबाद की घटक गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु के पारी को संभाला, लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए जगदीशन सुचेत ने सेट हो चुके सुयश प्रभुदेसाई को अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर स्टंप के पीछे निकोलस पूरन के हाथों स्टंप आउट करा दिया। आपको बता दें कि सुयश प्रभुदेसाई 20 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब प्रभुदेसाई के आउट हो जाने के बाद बेंगलुरु के इकलौते और सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने मैदान में है, लेकिन दिनेश कार्तिक जैसे खतरनाक फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को भी जगदीश अनुसूचित ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कराया। जी हां दोस्तों, और इसके बाद इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक बिना खाता खोले ही आउट हो गए। बेंगलुरु का कोई भी बल्लेबाज हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने टिकने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था और फिर अंत में जहां पर बेंगलुरु का टॉप ऑर्डर और आपको बता दें कि कुछ नहीं कर पा रहा, वहां पर बेंगलुरु का निचला क्रम भी क्या ही कर लेता और इसी वजह से बेंगलुरु की टीम केवल और केवल 68 रनों पर इस मैच में ऑल आउट हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस बड़े मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने 68 रनों का लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। अब उसके बाद बेंगलुरु से मिले 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा और हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन इस पारी का आगाज करने मैदान में उतरे। अब इन दोनों के पास एक बढ़िया मौका था। अब तक हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर थी, लेकिन इसके बावजूद उनका नेट रन रेट माइनस में था।
लेकिन इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के पास मुकाबले को जल्दी ख़त्म करके अपने नेट रन रेट में भारी इजाफा करने का एक सुनहरा मौका था और केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा ने इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दिया और शुरुआती ओवरों से ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना जारी रखा। आपको बता दें कि बेंगलुरु की टीम को अगर ये मुकाबला जीतना था तो कोई करिश्मा ही उन्हें इस मुकाबले में वापसी करा सकता था, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी ने बेंगलुरु के गेंदबाजों को वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के सातवें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए 64 रनों की एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत इस मुकाबले में दिलवाई, लेकिन फिर पारी के आठवें ओवर में छक्का लगाकर मुकाबला खत्म करने के चक्कर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा केवल 3 रनों से अपने अर्धशतक से चूक गए और अभिषेक शर्मा को हर्षल पटेल ने अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिषेक शर्मा 28 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी, मुकाबला खत्म होने की कगार पर था और फिर नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने पारी के आठवें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम को 9 रनों से बड़ी जीत दिला दी। अब इस जीत की वजह से हैदराबाद की टीम के नेट रन रेट में बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन दोस्तों हैदराबाद की इस जीत का असली हीरो हम सभी को पता है कौन है। गेंदबाजी में सभी को आश्चर्य में डालने वाले मार्को जेनेसन ने जिस तरह बेंगलुरु के 3 बड़े खिलाड़ी फॉफ डुप्लेसिस, अनुज रावत और विराट कोहली को आउट करके शुरुआती ओवरों में ही बेंगलुरु की टीम की कमर तोड़ दी थी, उसने इस मुकाबले में हैदराबाद की जीत की सबसे बड़ी निवृत्ति रची थी। तो दोस्तों आप हैदराबाद के तेज गेंदबाज मार्को जेनेसन की इस बेहतरीन गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।